हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आप लोगों के। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ एजे कैटल ग्रेस। मैं हूँ अम्मा खान, आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का भाई। और फिर जो है वो आज दिखाते हैं प्रोग्रेस दोबारा से बकरों की। अल्हम्दुलिल्लाह से बकरे सारे सेट हैं और बस एक बच्चा है, इसको थोड़े से मोशन है और थोड़ा सा सुस्त सा नज़र आ रहा है ये, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के हुक्म से ये भी ठीक हो जाएगा, उम्मीद पूरी है। और प्रोग्रेस माशाल्लाह से बहुत अच्छी है भाई बकरों की। तमाम जो है वो बकरे माशाल्लाह से दाना भी अच्छा उठा रहे हैं और कोई इस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, लेकिन जो है वो ये है कि इस मौसम में जो है बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं और बहुत ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही है भाई बकरों की अच्छी केयर, साफ़ सफाई, सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ती हैं, इस चीज़ का सारा ख्याल रखना पड़ता है। ये चीज़ होगी तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवर को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुई तो जानवर आपके जो है वो बीमार पड़ सकते हैं और इसके लिए फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जब भी आपको लगे कि भाई आपका जानवर बीमार हो रहा है, सुस्त हो रहा है, तो फ़ौरन से डॉक्टर से रुजू करें इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो, क्योंकि मैं ऐसा नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर चुका हूँ। लेकिन ये है कि आप फ़ौरन से डॉक्टर को जो है रुजू करें। तो रम खान नहीं बने कि भाई मैं सब कुछ कर लूँगा, मेडिक कर लूँगा, लेकिन भाई डॉक्टर बहुत ज़रूरी है, वो एक नॉलेजेबल बंदा होता है जिसको सब पता होता है दवाइयों का, चीज़ों का। और अगर एक दवाई से आपका जानवर ठीक हो जाता है तो इससे बड़ी और क्या बात होती है आपके लिए। तो फिर चलते हैं, फिर भाई प्रोग्रेस दिखाते हैं। और एक जिनके ये बकरे हैं तो आए हुए ओनर इनके, तो उनसे भी बातचीत करते हैं भाई, पूछते हैं उनसे भाई उनको कैसी लग रही है प्रोग्रेस और क्या उनकी अपडेट्स हैं इसके लिए, और थोड़ा बहुत जो है वो उनसे इंटरव्यू करते हैं। ठीक है भाई, तो चले भाई बकरों की तरफ। भाई ये देख लीजिए आप लोग चिंटू, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह से प्रिंट और सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने। 8-8 महीने के ये हैं बच्चे, और अभी इनकी आप प्रोग्रेस देखें इंशाल्लाह ताला। उम्मीद यही है कि अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी दी तो पक रही तक बहुत अच्छे जो है वो ये साबित होंगे हमारे लिए। ये है बकरी भाई, बकरी की कंडीशन आप लोग देख लीजिए। ये माशाल्लाह से बकरी से वेक ही है मेरे पास, बाकी जो है वो सारे ये आ गए हमारे बच्चे। ये इसी बकरी के जो है वो ब्रीड है, इस बकरी और शेरू के ये ब्रीड है, ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा दोस्तों, बकरों को बहुत जल्दी नज़र लगती है और जो है ना बकरे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये माशाल्लाह 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 भाई बहुत अच्छे शेरू देखें, ये आप देखेंगे नया बच्चा सुल्तान, ये है बबलू, करीब आने तो पागल जाएगा, वो खुद ही चलेगी ऐसे, देख सकते हैं आप। फ्रेंडली बच्चों का फ्रेंड बबलू दड़ौन। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे बकरे जो है वो सेट हैं, और दुआ ये कीजिए कि भाई ये सारे बकरे सेट ही रहें, कोई जो है वो नुकसान ना पहुंचे जान का या किसी और चीज़ का, मेरे नहीं सिर्फ और बाकी सबके जानवरों का भी। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ भाई दुआ करते रहिए और सारी चीज़ें ताकि नॉर्मलाइज हो जाएं। मौसम की तब्दीली है, मौसम सेट हो जाएगा तो इंशाल्लाह ताला बीमारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये देख लीजिए भाई आपके बकरे, ये देखिए। तो फिर बात करते हैं ओनर से बबलू के और इसके और बकरी के, तो बात करते हैं इनसे, मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे और जो है वो काफ़ी टाइम से हम लोग जो है वो साथ हैं, दोस्त हैं, तो आप लोगों को भी मिलवाता हूँ इनसे, बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं जी। भाई जुनैद भाई, क्या हाल चाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं खैरियत हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ भाई। फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने आपको वीडियो में कैप्चर किया, आप आते नहीं हैं, बड़े मसरूफ़ इंसान हैं, तो आप बताइए भाई। बुलाएंगे तो बिल्कुल आएंगे। बिल्कुल भाई, आपके लिए दरवाजे खुले हुए, जब जब आप चाहें आप जो है आ सकते हैं। खैर जो है वो बकरों की प्रोग्रेस के बारे में बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, क्या प्रोग्रेस चल रही है बकरों की? माशाल्लाह इतनी बारिश में और इतना बहुत अच्छा आपने इंतजाम संभाला हुआ है, भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि अल्लाह की मेहरबानी है कि बारिश का पानी आता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता, जिसकी वजह से नुकसान, बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जिसके लिए यही कोशिश है कि भाई बकरे
सफाई साफ सुथराई का ख्याल रखा है तो बीमारियां ना फैले। कार्टून करेक्टर बताओ, दिन रात कार्टून देखते तुम लोग बताओ दूरे मुँह लग गए नाम है भाई, कोई नाम सजेस्ट करे ताकि हम इसको नाम से पुकारें। भाई ये अब्दुल हादी साहब हैं और ये जुनेद भाई के जो हैं वो भतीजे हैं, और ये आज आए हैं हमारे घर पे अपने बकरों से मिलने। तो बड़े जो है ये तो इनका दोस्त बन चुका है, खड़े हुए देखें आप किस तरह से भाव में बाहें डाल के। सुल्तान देख रहा है दूर से कि मेरे पास नहीं आ रहे। प्रोग्रेस ये देखें, शेरू शेरू की आवाज़ें। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह ज़रूर बोलिए। और बकरों की प्रोग्रेस के हवाले से जो है वो मुझे बताइए कि भाई कैसी लग रही है आप लोगों को इनकी प्रोग्रेस, और क्या ऐसी बात है जो मुझे और करनी चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बाकी दुआओं में याद रखिए भाई, दुआ बहुत ज़रूरी है आप लोगों की, क्योंकि दुआ होगी तो इंशाल्लाह ताला जानवर सबके सेट रहेंगे, फिर मेरे नहीं बाकी सबके भी। और बस अल्लाह ताला रहम करे भाई, इस मौसम को जल्दी से जल्दी गुजारे और शिफा दे हर जानवर को, जो भी बीमार है आजार है सब जो है वो नॉर्मल हो जाए जी भाई। तो जुनेद भाई का रिव्यू हमने लिया बकरों का, बकरों की प्रोग्रेस के हवाले से, सारी चीज़ों के हवाले से। बस ये है कि अल्लाह ताला खैर व आफियत का मामला करे, बकरे ईद तक कुर्बानी तक इंशाल्लाह ये जानवर अच्छे बने तो हम जो है वो फिर इस काम को और जो है वो उरूज पे लेके जाएं इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो फिर वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगे तो मुझे बताइए भाई क्यों नहीं अच्छी लग रही, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एजे कैटल क्रेश मेरे चैनल का नाम है, फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह जो है वो मैं अवेलेबल हूँ। जो भी बात मुझसे पूछनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई बात बतानी है, ज़रूर मुझे कॉन्टैक्ट करें और मुझे बताएं। ठीक है भाई, तो फिर मिलते हैं दोबारा से किसी और वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए हम आपको इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।